सिविल लाइन स्थित वन विभाग कार्यालय के सामने अर्धनिर्मित प्रेक्षागृह के भूमि पर चिलबिल के विशाल पेड़ पर चढ़े अजगर को गुरुवार को प्रभागी वन अधिकारी एमके शुक्ला के नेतृत्व में घंटों मशक्कत के बाद वनकर्मियों ने सुरक्षित पकड़ लिया। गोरखपुर न्यूज के नए कौतूहल बने अजगर की खबर को अपनी नजर में बनाए रखा। अजगर को पकड़ने के लिए सुबह से ही वनकर्मी कोशिश कर रहे थे। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता बनाया था, उन्हें भगाने के लिए धुआं भी किया गया, लेकिन वह कारगर साबित न हुआ और अजगर दूसरी डाल पर जा बैठा। तब वनकर्मियों ने अजगर को पकड़ने के लिए पेड़ की डाल को काटकर नीचे गिराया और अजगर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले गए। अजगर को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग अपने मोबाइल में अजगर को कैद करने लगे। इस दौरान स्थानीय प्रशासन भी चौकन्ना रहा और कोई अप्रिय घटना ना हो सकी। अजगर को सुरक्षित पकड़ने में गोपाल कुमार, मनीष तिवारी, पंकज कुमार, अनिल राय, राधेश्याम, संतराम और नगीना प्रसाद सहित वन विभाग के अन्य कर्मचारी योगदान रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता परवीन कुशवाहा से बात करते हुए प्रभागी वन अधिकारी एमके शुक्ला ने कहा। भाग रहा है, भाग देखो देख रहा है ना। ऊपर दिखाइए, ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, ऊपर ऊपर उठाइए भैया, उठाओ मरवा। आइए आइए लेकिन डालते रहिए, छोड़ दीजिए। हाँ, रेस्क्यू टीम परसों से लगी हुई थी।
और चूंकि ये एक एनिमल है जो भीड़ देख के और उसको बचाने वाले जब जाते हैं तो उससे भी वो डरता है और अपने आप को बचाने का छिपाने का प्रयास करता है। क्योंकि ऊंचाई लगभग 35 से 40 फीट थी। कल हम लोगों ने क्रेन मंगा के प्रयास किया लेकिन क्रेन वहां तक पहुंच नहीं सकी, रात भी हो गई थी, इसलिए आज सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ लोगों को एक्सपर्ट्स जो है उनको बुलाया गया। ये हमारे स्टाफ हैं पंकज और एक हमारे स्टाफ राधे श्याम हैं। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की और हम लोगों ने पूरी कोशिश करके उसको सुरक्षित नीचे लाए। एक डाल थी जिसको ट्रिम किया गया, वो नीचे आई और डाल के बाद से उसको हम लोगों ने रेस्क्यू करके सुरक्षित पकड़ लिया है। अब उसे जिसका प्राकृत वास है वहाँ पर अनुमति के उपरांत छोड़ दिया जाएगा। ये कहाँ छोड़ा जाएगा? ये हमारे जंगल हैं जहाँ ये पाए जाते हैं, जैसे रामगढ़ का जंगल है हमारा, तिलकुनिया का जंगल है, घने जंगलों में छोड़ें ताकि ये दोबारा कहीं से भटक के ऐसे पब्लिक प्लेस पे नहीं आ पावे। सभी पब्लिक से अपील है कि जब इस तरीके की कोई घटना होती है तो बजाय उसको घेर के तमाशा देखने के लिए, अगर ये अकेला रहता, भीड़ न रहती, तो शायद ये कल खुद चला जाता उतर के या इसको हम लोग पकड़ लेते। धन्यवाद। कितना लंबा है ये? लगभग 8 फुट की लंबाई है, 5 से 6 किलो वजन होगा इसका। हाँ, धन्यवाद।